वेलकम टू संसार प्रकाशित। दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित विद्या की मैथ की बुक। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत शांत हैं या अशांत हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 5 क्वेश्चन फिर करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13/3125। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13/3125। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 13/3125 को हमें करना है क्या, गुणनखंड। तो 3125 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इकाई अंक 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 6 30, 1/5 2 10, 5 5 25। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 51 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 51 5। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, कितने बार 5 लिख देंगे, 5 की पावर क्या लिख देंगे, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, और गुणे में लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको पता होगा 2 और 5 ये मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं, और जीरो ही ऐसी संख्या है कि किसी संख्या में अगर हम भाग दिया जाए तो पूरी तरह से कट जाएगा। चाहे इसको हम एग्जाम्पल करके बता दे सकते हैं, देखिए कोई भी संख्या ले लो, हमने 778 ले ली। अब इसमें अगर हम किसी भी संख्या से 10 से या 100 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग कट जाएगा। देखिए 7 हम कितना, 10 7 70, कितना आ जाएगा 7, 8 उतर आएगा, फिर 7 बार में कितना, 70 बार में गया 8 आ गया, दशमलव लगा देंगे जीरो बढ़ा देंगे, कितने बार में गया 8 बार में, देखिए पूरी तरह से भाग चला गया ना। इसीलिए जो है हमें जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए नियम क्या है कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर अंश में कोई भी संख्या हो, लेकिन नीचे 2 की पावर m × 5 की पावर n होना चाहिए, तभी संख्या क्या होगी, शांत होगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, अशांत। इन 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आती है, 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आती है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो देखिए तो ऊपर क्या लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ है, और नीचे कितना लिखा है, 2 की पावर 0। नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 की पावर 5। अब नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, तो यहाँ पर लिख देंगे हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या, ये दी गई परिमेय संख्या है वो क्या है, शांत है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं दूसरा, तो दूसरा सॉल्व कर ले, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्या लिखा है, 17/8। दूसरा सॉल्व करते हैं 17/8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 2। तो इसको और आगे लिखते हैं तो 17/2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 लिख देंगे। यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या, या लिख सकते हैं दी गई परिमेय संख्या कैसी है, परिमेय संख्या शांत है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो, तीसरा क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन नंबर तीन क्या लिखा है, 64/455। तो 455 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, 455 तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, 5 9 45, 9 12 में चला जाएगा, 5 9 45, 5 51 5। अब इसको काटेंगे 13 7 91 और 7 51 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 64/5×13×7। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः हर में 2 व 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त 13 और 7 गुणनखंड भी हैं, अतः संख्या या परिमेय संख्या अशांत व आवर्ती है, अशांत व आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझिए, जब अंश में कोई भी संख्या हो, हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिखाई नहीं देनी चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी संख्या है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको मिट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है 15/1600। तो इसको 1600 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 1600 का कर लेंगे गुणनखंड, 2 8 16 00, 2 4 8 00, 2 2 4 00, 2 51 2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 5 25, 5 51 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे 15/ 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणे 5 कितने हैं, 2 5 हैं, 5 की पावर 2। अब देखिए बटे में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, अतः दी गई संख्या या संख्या क्या है, शांत है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए और वीडियो को बीच बीच में शेयर और लाइक करते रहें। अगला सॉल्व करते हैं, पांचवा लिखा हुआ है 29/343। तो 29 बटे, आप लोग पता होगा किसका है घनमूल है, ये 7 का घनमूल है, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। चाहे तो इधर आप देख लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 7 9 63, 7 7 49, 7 51 7। तो लिख दिए 7 को 3 बार। अब यहाँ पर देखिए, ना तो 2 है ना तो 5 है, उसके अलावा ये 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या अशांत व आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है,
अब इन पांचों क्वेश्चन को हम मिट देते हैं, तो आगे पांच क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये है छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन है 23/2 3 5/2। सातवां नंबर है, 129/2 5/2 7/2 7/5। आठवां नंबर क्वेश्चन है 6/15। नौवां नंबर क्वेश्चन है 35/50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट में हम करवा देंगे। तो छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर कितना लिखा हुआ है, 23/2 3 × 5/2। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पर देखिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नज़र आ रही नहीं नज़र आ रही, तो इसको हम लिख सकते हैं अतः हर 2/m × 5/n के रूप का है, इसलिए संख्या क्या है, शांत है। शांत संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या में अगर इसका भाग दिया जाए तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गर्मी बहुत है दोस्तों, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है दोस्तों, सातवां नंबर देखिए, इस तरह गर्मी में ही आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मेहनत तो लगी रही है, तो आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, लाइक करते रहें बीच बीच में। अब देखिए यहाँ पर, तो 2/2 5/2 × 7/5। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2 और 5 तो साथ में है ही, 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी साथ में है, और हमने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए लिखेंगे अतः हर 2/m × 5/n के अलावा क्या है, 7 भी गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती है। ठीक है मित्रों, अब 7 हो चुका, आठवां नंबर करते हैं। आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर आपके सामने है, क्या लिखा है, 6/15। तो 6/15 को सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 और 3 × 5 = 15, यानी 2/ कितना आ गया, 5। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या लिख देंगे, 2/2 × 5/1, क्योंकि हमने कहा था 5 या 2, या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए, उसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हर 2/m × 5/n के रूप का है, इसलिए क्या है, संख्या शांत है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां क्या लिखा हुआ है, 35/50। तो आपको पता होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 5 × 5 = 25, 25 × 50। तो इसको हम लिखेंगे 35/2 × 5/2। अब यहाँ पर हर क्या लिखा हुआ, लिख देंगे हर 2/m × 5/n के रूप का है, इसलिए संख्या
क्या है, शांत है। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट बचा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन हम मिट देते हैं, सारे क्वेश्चन हम मिट देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। तो हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा से अगर संख्या कट रहे तो हम काट सकते हैं, 7 * 21 = 0, 7 * 9 = 7, यानी कितना आ गया 11/30। तो 11/30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, देखिए 5 × 3 = 15 × 30। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा, 2 और 5 तो दिख रहा है, साथ में 3 भी दिख रहा, तो लिखेंगे अतः हर में 2 व 5 के अतिरिक्त, 3 गुणनखंड भी है, 3 गुणनखंड भी है, इसलिए संख्या क्या है, संख्या अशांत है, अशांत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 के 10 क्वेश्चन क्या हुए, सॉल्व हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। इसके पहले के मैं 1.1, 2, 3 ये सारे वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया हो, ना मर्जी आई हो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।